सो गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम टू सेकेंड एपिसोड. सो हेलो एवरी वन, अमनदीप सिंह दिस साइड. तो भाई क्या हाल चाल है सारे? होप सो वधिया होगा. सो आज वाकई में कल का जो रात थी ना, बहुत ही खतरनाक थी. बहुत ही तूफानी मौसम था. मतलब आधी रात तो बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान चल रहा था, बारिश पड़ रही थी. एंड अभी लकीली आसमान साफ है, थोड़े बहुत क्लाउडी है बट ज़्यादा नहीं. एंड धूप, सूर्य देवता निकल चुके हैं. एंड सनराइज़ जो कैप्चर किया आपको अच्छा लगा होगा आई होप, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग आया. बाकी ये बात ये रही कि स्टार्टिंग में बादल आ गए बट हट गए धीरे धीरे. एंड अभी का क्या प्लान है? अभी हमारा ये प्लान है कि हमने जो होम स्टे एरियाज़ हैं यहाँ पे, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने जो यहाँ पे रखे हुए हैं, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ का थोड़ा बहुत दिखाएंगे आपको. एंड उसके बाद यहाँ का क्या कल्चर वगैरह वो धीरे धीरे सब आपके सामने आएगा. एंड जो इवेंट है वो भी 10 बजे आई थिंक वहाँ का इसकी टाइमिंग है. एंड अभी टाइम हो रहा है लगभग 7:45. तो अभी हम फटाफट फ्रेश होते हैं, निकलते हैं यहाँ से फॉरेस्ट जो होटल है. एंड उसके बाद सीधे मिलते हैं आपको कहाँ पे, जहाँ पे होम स्टे के अरेंजमेंट सब रखा हुआ है. तो भाई हम फंस गए, तगड़ा फंस गए. बहुत ही खतरनाक बारिश हो रही है. तो अभी ब्रेकफास्ट करना था, हम ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे थे, अभी आना ब्रेकफास्ट. बट बारिश जो शुरू हुई है ना बॉस, मतलब ऐसा लग रहा है कि या तो ये कोई मेरे से कोई कनेक्शन है कोई इंद्र देवता का, जो हमेशा मतलब मेरे को या तो भगाने के लिए बारिश करते हैं या रोकने के लिए बारिश करते हैं, अभी ये मेरे को नहीं पता. बट अभी भी बारिश हुई है और हम रुके हुए हैं. सो अभी देखते हैं, जब कम होगी तो तब डिसाइड करेंगे आगे जाने का. बट ठंड बहुत हो गई है. एंड अच्छा किया था कि मैं थोड़ा वार्मर वगैरह लेके आया था घर से. एंड वो प्लस पॉइंट था मेरे लिए. एंड अभी मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है. तो भाई तूफान हो गया अभी शांत एकदम, और क्या ही मौसम हो गया. मतलब धूप निकल गई, आसमान साफ हो गया, ऐसा लग रहा है कि बारिश तो पड़ी ही नहीं भाई. बट हमें पता है पड़ी है क्योंकि हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हुई है. बाइक ठंडी पड़ गई है यार. स्कूटी भी बड़ी मुश्किल से स्टार्ट की एंड गर्म कर दी है मैंने. अब बुलेट है भाई, ये बुलेट, इस पर टाइम लगता है इसको. किक मारो. क्या बात है भैया, खतरनाक बंदे यार. मैं रक्षण भाई को कवर करता हूँ. रक्षण भाई क्या देख रहा है, डर लग रहा है क्या? जान दे रेस दे. ओ भाई तो एक ये होम स्टे है जो कि कोशिश करेंगे दिखाने की. ओके ये कंप्लीट होम स्टे है. तो भाई ये पूरा होम स्टे है यहाँ पे, आप देख रहे हो जैसे, ठीक है. एंड पूरी फैसिलिटी यहाँ पे दी हुई है. सो ये है, ये लॉबी आ गई, ये दो रूम्स आ गए. एंड इन्होंने पूरा ये होम स्टे है. सो 500 रुपये जो है यहाँ पे चार्ज है, ज़्यादा नहीं है. बिलीव मी यार, वर्थ है. बाहर भी आप आओगे, बाहर रोड साथ में है, पार्किंग साथ में है, आप यहाँ पे गाड़ी लगा सकते हो यहीं से साथ में है, अंदर जाके आप होम स्टे भी साथ में है. एंड दो रूम्स हैं, दो बेड्स हैं, डबल बेड्स हैं, और क्या ही फैसिलिटी है. साफ़ सफाई एकदम नीट एंड क्लीन है सब कुछ, और एकदम बेस्ट. मेरे को तो सबसे सही लगा भाई. अगर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना. तो अपनी तो वो लगी है स्कूटी, वो लगी है बाइक. एंड क्या ही मौसम है भाई, क्या ही मौसम है. साफ हो गया बिल्कुल सब. डाउट है इसको भी है भाई, पकड़ के ले जाएगी मेरे को. बात कर रहा है, पीछे ही रहो मैं काटता भी हूँ.
मन तो कर रहा है कि यहाँ पे मतलब एक घर लेके ना यहाँ पे घर बनाया जाए हाइट पे, एंड बस ये व्यू जो है ना ये सामने रहे आंखों के, इतना सुकून भरा व्यू है, पीसफुल व्यू मैन। क्या बात है, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। खुद भी तो चक्कर आएंगे ना, ये दूसरों को भी चक्कर दे के मारेंगे। क्या बात है, डेडिकेशन है भाई, मानना पड़ेगा यार, रक्षण भाई मानना पड़ेगा। तो यार ये ब्यूटी है, लगभग लोग बोलते हैं ना यार पत्नीटॉप पत्नीटॉप, मैं एक चीज बोलता हूँ भाई, यहाँ आके देखो एक बार, ये चीज लेना चाहता था और देखो आप, देखो भाई देखो, अरे भाई 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 भाई, 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 भाई। चक्कर आ गया, चक्कर आ गया। क्या बात है, तो भाई उधर से निकल गए, लुक एट द व्यू, जस्ट लुक एट द व्यू, और ये हट्स हैं यहाँ पे टूरिज्म के, यहाँ से यहाँ पे अगर आप रहते हो और यहाँ से सामने का व्यू यार, और वहाँ पे वो शांकरी टेंपल है जहाँ पे अभी हमने जाना है, तो अभी हम सीधे वहीं को निकल गए। तो जो होम स्टे मैंने दिखाया था ना यार, ऐसे ही बहुत सारे होम स्टे हैं, वो एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे होम स्टे हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वहाँ पे बोर्ड रास्ते में बोर्ड लगे होंगे होम स्टे के, तो आप अगर किसी को पूछते हो तो भी आपको पता लग जाएगा। एंड मैं एक ही दिखा पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि अभी बारिश की वजह से हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए, जो इवेंट था उसका टाइम हो गया, और हमें अभी फटाफट के लिए जो शांकरी टेम्पल है वहाँ के लिए निकलना है, वहाँ पर पहुँचना है जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। ये फॉरेस्ट होटल है जहाँ पर हम रहे थे, एंड अगर आप आते हो तो, अगर मैं फीडबैक देना चाहूँ तो रोटी जो खाना था ना, जो डिनर और ब्रेकफास्ट किया, वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा था, मज़ा आ गया हमको रियली। आप आना चाहते हो तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो, यहाँ की जो भी है वो आपको बता देंगे, अच्छी चहल पहल है यहाँ पे आज। कल जिस टाइम मैं आया था आई थिंक हम लेट हो गए थे, तो हमें इतना कुछ तो दिखा नहीं, बट अच्छी चहल पहल है यहाँ पे, पॉजिटिव वाइब है। मुझे कोई अनाड़ी लगा भाई, इतनी जगह थी मेरे ऊपर ही चढ़ा गया है। क्या बात है, इधर शादी किसी, क्या बात है, भांगड़ा चल रहा है इधर तो, क्या बात है। सो ये एरिया जो यहाँ से टर्न आता ना, ये है, ये पंचायरी को गया ये रास्ता, और ये आता है, ये जाता है शांकरी टेम्पल को, तो मैं वहाँ से रिकॉर्ड नहीं कर पाया जल्दी जल्दी में, बट यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ पे वेलकम टू शांकरी टेम्पल भी लिखा होगा अगर आप आते हो। एंड अभी इसका कंस्ट्रक्शन ऑन गोइंग चल रहा है, क्योंकि ये थोड़ा स्लाइडिंग एरिया है यहाँ पे, एंड यहाँ पे इतनी ऑफ रोडिंग नहीं है, बट एक बात बताता हूँ, जिसको ऑफ रोडिंग पसंद है ना भाई, उसके लिए बेस्ट रोड है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ऐसी ऑफ रोडिंग में। एंड अपनी तो पता है आपको, जो वीडियोज़ देखते हैं उनको तो पता है कितनी ऑफ रोडिंग की होती है मैंने इसके साथ। तो यहाँ से है रास्ता, एंड यहाँ से है वो सामने वाला ब्यूटीफुल सा व्यू, क्या बात है। सो अभी ये जो ट्रैक है छोटू सा है, एंड यहाँ से चढ़ के हमें वहाँ ऊपर जाना है, जहाँ पे थोड़ी सी ढोल नगाड़ों की आवाज़ भी आ रही है, तो ये अपना डोगरा कल्चर ड्रेसअप है, क्या ब्यूटीफुल लग रहे हैं सब।
होता है? बताओ, दिखेगा। आप जबान से बाद में बोलोगे, पहले दिखाओगे। और फिर आप देखना, पत्नी टॉप और बाकी जगहें बिल्कुल पीछे रह जाती हैं। आप लोग सामने आ जाओगे। लोगों को याददाश्त लेकर यहाँ से जाने की जरूरत है। तो ये मंदिर है एंड यहीं से वो ट्रैक आपको दिख रहा है हल्का सा, वहीं से ये ट्रैक होते होते ये सामने जो पहाड़ी है लद्दाधार, यहाँ पर जाता है। एंड इससे भी आगे बहुत सारे ट्रैक्स हैं। एंड आप ये सोचो यार कितना अच्छा व्यू है। एंड उसी के साथ ये होम स्टे जो है ये रखा हुआ है। जस्ट लुक एट दिस। तो सीधी सी बात है, ये होटल से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो व्यू है ना इस, ये यहाँ पे होम स्टे, एक तो आपको बिल्कुल जो यहाँ का कल्चर है उसके साथ मिलजुल के रहने का मौका मिलेगा। एंड यहाँ का जो फूड है, जो यहाँ का बेस्ट फूड है, यहाँ का जो स्ट्रीट फूड भी है, आप वो भी लुत्फ ले सकते हो, है ना, लुत्फ ले सकते हो। ज़्यादा ही मैं आजकल अच्छे से बोलने लगा हूँ, सो लुत्फ ले सकते हो। एंड प्यारे से नेचर का, आप ये सोचो यार जब विंटर का टाइम होगा, यहाँ पे स्नोफॉल होगी, आपने यहाँ पे होम स्टे किया होगा, एकदम एक नंबर यहाँ पे होम स्टे होगा, साथ में ऐसा व्यू आपको देखने को मिलेगा, तो बिलीव मी आपका जो वो टूर होगा ना सक्सेसफुल हो जाएगा।